हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक, तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। आपने जैसे रिक्वेस्ट किया कि इन सब फैमिलीज़ पे वीडियोज़ बनाने का, मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बोल चुका हूँ कि फैमिलीज़ का नंबर केवल ज़्यादा है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके डिस्टिंग्विशिंग या डायग्नोस्टिक फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्नोस्टिक फीचर्स उसे बोलते हैं जो उस फैमिली के लिए यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, जैसे अगर आप सिलेबस में भी देखेंगे तो लिखा है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। ओके, और एक पोर्शन और है इसमें, एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो अलग से आता है, इसमें वो इंक्लूड नहीं किया गया है प्लांट फैमिलीज में। जैसे फूड यील्डिंग, ऑयल यील्डिंग एंड फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हो गया, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हो गया, वो सारे उसमें आते हैं। यहाँ पे हम केवल बात करेंगे फैमिलीज़ का। तो वही इस फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज़ हैं, जो एक स्टूडेंट होता है स्टार्टिंग में, वो जब इन फैमिलीज़ को देखता है या जो भी पेपर सॉल्व करता है, वहाँ पे जो जहाँ पे भी उसको प्लांट का नाम दिखता है, वो सोचता है कि ये एक्चुअली फैमिली से आया हुआ क्वेश्चन है। पर ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म्स को आपको सारे को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा और उसके बेसिस पे आपको पढ़ना होगा, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो मेजर जो सिलेबस है BHU का, आप देखेंगे उसको यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है। तो फर्स्टली यही सजेशन रहेगा, आप जहाँ कहीं का भी, जिस यूनिवर्सिटी का भी प्रिपरेशन करते हैं, उसके पूरे सिलेबस को लीजिए एंजियोस्पर्म का और देखिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो डिवाइड द एंजियोस्पर्म इन कैटेगरीज एट इट हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो वहाँ पे बहुत होता है। जैसे फर्स्टली क्लासिफिकेशन पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन पार्ट में आपको टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री पढ़ना होता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, लिनियस का है, इंग्लर एंड प्रांटल का है, हचिनसन, तख्तजान, कॉन्क्रिस्ट, थॉन, APG अभी आया है, मैंडमैन, हुकर है, इनका प्रिंसिपल, आउटलाइन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक, और फिर क्लासिफिकेशन में आता है न्यूमेरिकल एंड कीमो टैक्सोनॉमी। बहुत कम इन सब के बारे में, केवल थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ मैंडमैन हुकर का, तो पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी में कौन कौन से कुछ पॉपुलर ऑर्डर हो गए। ठीक, और इनका मेरिट डिमेरिट क्या है, जो बहुत पॉपुलर डिमेरिट हो। ठीक, इन सब का। फिर एक आता है पार्ट, हर्बेरियम टेक्निक्स का पार्ट, जहाँ पे आपको हर्बेरियम के बेसिस पे आइसोटाइप, होलोटाइप, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इन सब पे एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। और एक पार्ट आता है इसमें एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पार्ट का। जब आप लोअर बॉटनी पढ़ते हैं, वहाँ पे एल्गी, फंजाई, ये सारी चीज़ें, उनका जो बॉडी प्लान होता है बहुत सिंपल होता है, तो इसीलिए वहाँ पे आपको एनाटॉमी नहीं पढ़ाई जाती उतनी, या होता है आप देखेंगे, लेकिन जो मेजर स्टडीज़ किए गए हैं वो एंजियोस्पर्म पे किए गए हैं। इसलिए जो एग्जांपल्स हैं आपका एनाटॉमी का, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज पे बेस्ड है। और जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी वाला पार्ट है, वहाँ ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो एम्ब्रियोलॉजी पे स्टडी हुई है वो भी एंजियोस्पर्म में ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो हैं, ये एक मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, अभी लैंड पे या एक्वाटिक सिस्टम में जहाँ पे भी आपको मिलता है। एम्ब्रियोलॉजी में भी देखिए जर्नल अकाउंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ये सब आपको पता है, ये सब आप क्लियर कट जो है डिवाइड कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम इसी में ही होता है आपका, जो फैमिलीज दिया होता है उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे और एनाटॉमी पे। कोई पूछ लेता है कि कोलैटरल वैस्कुलर बंडल किस प्लांट में होता है, तो आपको लगता है ये चीज़ें जो है फैमिली से पूछा गया है, पर ऐसी बात नहीं है। प्लांट फैमिलीज में आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा प्लांट फैमिलीज के कैरेक्टर पे। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी अलग पार्ट है, एनाटॉमी अलग पार्ट है, तो वो आपको अलग से पढ़ना है। ठीक, तो ये देखिए एक्चुअल जो पार्ट है ये नीचे दिया हुआ है, प्लांट फैमिलीज। यहाँ पे बेंथमैन हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे मैंने यहाँ पे फैमिलीज को रखा हुआ है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, पॉलीपिटेली में कौन कौन से आते हैं, गेमोपिटेली में कौन कौन से आते हैं, मोनोक्लेमाइडी में, फिर
मेजरली डाइकॉट और मोनोकॉट में कौन कौन सी फैमिलीज आते हैं। जब आप फैमिलीज पढ़ने जाते हैं तो ये जो डिवीज़न है ये आपको कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोनोकॉट्स का अलग फीचर होता है, डाइकॉट्स का अलग फीचर होता है, पॉलीपिडेली का अलग फीचर होता है, गैमोपिडेली का अलग फीचर होता है, मोनोक्लेमाइडी का अलग फीचर होता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि कौन सी फैमिलीज डाइकॉट की है कौन सी मोनोकॉट की है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें फैमिली को कैसे पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ मैं जो स्टार्टिंग में फैमिलीज़ हैं पॉलीपिडेली के वहाँ से स्टार्ट करूँगा, और बाद में जो फैमिलीज़ बच जाएंगी मुझे लगेगा ये कहीं से पूछा गया है तो वो मैं आगे आपको पढ़ा दूँगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पॉलीपिडेली में फैमिलीज़ हैं रेनन्कुलेसी, निम्फिएसी, निरम्बुलेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, यहाँ पे मैं इन फैमिलीज़ की बात करूँगा। ये जो फैमिलीज़ हैं इन्हें प्रिमिटिव फैमिलीज़ बोलते हैं। देखिए प्रिमिटिव फैमिलीज़ का क्या मतलब होता है, कोई भी फैमिली जो बनी होती है वो प्लांट के बेसिस पे बनी होती है। एक फैमिली में बहुत सारे प्लांट होते हैं और प्लांट के कैरेक्टर कैसे हैं, देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स एडवांस कैरेक्टर होते हैं। तो ये वेटेज होता है किस फैमिलीज़ में प्रिमिटिव कंडीशन या कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं तो उन्हें प्रिमिटिव फैमिलीज़ बोलते हैं। जो भी एडवांस फैमिलीज़ होते हैं उनमें एडवांस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे सिंपल लीफ जो होता है उससे आगे चल के पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एवोल्यूशन होता है, ठीक, या जो जैसे पैराइटल प्लेसेंटेशन है धीरे धीरे उससे आगे चल के एग्जाइल और भी बहुत सारे प्लेसेंटेशन बने होते हैं, या जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये सब सिंपल है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ एंडोशियम गायनोशियम के नंबर का, स्टेमेंस कितना है, तो आपको पता है कि जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ है वहाँ पे स्टेमेंस का नंबर बहुत ज़्यादा होता था, कार्पेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता था, आगे चल के ये रिड्यूस होते हैं। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है, यही एक आप ट्रेंड देखेंगे फैमिलीज़ पढ़ते हुए कि पीछे प्रिमिटिव कंडीशन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो वैसे ही इस लेक्चर में मैं आपको रेनन्कुलेसी, निम्फिएसी, निरम्बुलेसी, मैग्नोलेसी और एनोनेसी के बारे में बताऊंगा। ये सारी फैमिलीज़ में आप देखेंगे कि लगभग प्रिमिटिव कंडीशन पाया जाता है इनमें, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि टोटल इनमें प्रिमिटिव कंडीशन है, एडवांस भी होते हैं। जैसे रेनन्कुलेसी में एडवांस कैरेक्टर क्या हुआ, जाइगोमार्फिक कंडीशन, फ्लावर का जाइगोमार्फिक कंडीशन एक एडवांस कैरेक्टर है, तो ये आपको रेनन्कुलेसी में भी मिलेगा। बात करते हैं रेनन्कुलेसी की, आप बात करते हैं एक फैमिलीज में आपको कितना पढ़ना है। फर्स्टली जो होता है उसका प्लेसमेंट बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अनुसार उसका प्लेसमेंट ज़रूरी है, किस में रखा गया है, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी फैमिली जो है रेनेस के अंदर आती हैं कौन सी नहीं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो सारी फैमिलीज़ हैं, ये देखिए रेनन्कुलेसी का जो प्लेसमेंट है BNH का मतलब बेंथम एंड हुकर, ये डाइकोटिलेडन में, डाइकोटिलेडन के अंदर पॉलीपिडेली में, पॉलीपिडेली के भी अंदर कई सारे वो हैं, तो वहाँ पे थैलमी फ्लोरी में रखा हुआ है। थैलमी फ्लोरी में भी ऑर्डर कौन सा, रेनेल्स में रखा हुआ है। तो डाइकोटिलेडन, पॉलीपिडेली, पॉलीपिडेली के अंदर बहुत सारी फैमिलीज मैंने आपको बताया था, उसके अंदर सीरीज है थैलमी फ्लोरी, डिसीफोली, कैल्सी फ्लोरी, और एक एक सीरीज में थैलमी फ्लोरी के अंदर रेनेल्स, पैराइटेल्स, ऐसे करके ऑर्डर्स हैं, तो ये रेनेस ऑर्डर के अंदर रखा हुआ है। अब बात करते हैं सेलियंट फीचर्स, ये जो सेलियंट फीचर हैं इम्पॉर्टेंट जेनरा है, इसी पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं कि इस फैमिली का कौन सा सेलियंट फीचर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो सेलियंट फीचर क्या है रेनन्कुलेसी फैमिली का, कि यहाँ पे जो प्लांट है वो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, आगे की वीडियोज़ में मैं कम बताया करूँगा, कि हर्ब श्रब ट्रीज होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ये सब हैबिट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, हर्ब्स इस फैमिली में ज़्यादा होते हैं रेनन्कुलेसी में। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे स्टेमेंस और कार्पल जो होते हैं न्यूमरस होते हैं, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। फ्री एंड स्पायरल अरेंज भी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेमेंस और कार्पल होते हैं न्यूमरस तो होते ही हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, वो फ्री होते हैं। जैसे मालवेसी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कार्पेल जैसे पांच होते हैं पर फ्यूज़ होके एक गायनोशियम बनाते हैं, वो एक दूसरे से वो होते हैं, जॉइंट होते हैं, पर यहाँ पे सारे जो कार्पल्स होते हैं फ्री होते हैं। अगर आपको एक प्लांट मिलेगा पॉन्ड में कहीं पे जाएंगे, रेनन्कुलेसी का बहुत वो है रेनन्कुलस, ठीक है, एक प्लांट है यहाँ, जहाँ पर जो दिया हुआ है आपका बटर कप, ये आपको मिल जाता है।
या तो एक प्लांट है इसका रेनिकुलस सिलरेटस करके, वो बहुत कॉमन प्लांट है, वो आपको मिल जाता है पॉन्ड में। तो ऐसे आपको अगर आप कोई फैमिली पढ़ते हैं तो उसके एक आध दो मेंबर जो आपके घर के अगल बगल हों उसे आपको स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेमस और कार्पल न्यूमरस होंगे, फ्री एंड स्पायरली अरेंज होंगे। देखिए एक साइक्लिक अरेंजमेंट होता है, साइक्लिक मीन्स एक ही जगह से सारे पार्ट्स निकले होंगे, स्पायरल मीन्स स्पायरल बना के निकले होंगे। तो यहाँ पे स्टेमस और कार्पल न्यूमरस होते हैं, फ्री एंड स्पायरली अरेंज होते हैं। ओवरी जो होता है सुपीरियर होता है। ओवरी सुपीरियर होने का क्या मतलब है कि जो आपका ओवरी है वो ऊपर रहेगा और जहाँ पे आपके कैलिक्स कोरोला निकले रहते हैं ये नीचे होते हैं, ओवरी के नीचे होते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे प्लांट क्यूकरबिटेसी के मेंबर देखेंगे, लॉकी वॉकी का अगर आपको फ्लावर मिले तो देखिए वहाँ पे ओवरी नीचे होती है और जो फ्लोरल पार्ट जहाँ पे जुड़े होते हैं वो ऊपर होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे ओवरी सुपीरियर होती है फ्लावर, वहाँ पे क्या होता है हाइपोगाइनस, तो ओवरी सुपीरियर। इसी का उल्टा अगर ओवरी इन्फीरियर होता है तो फ्लावर क्या होता है इपीगाइनस। ओके, तो यहाँ पे फ्रूट का भी इम्पोर्टेंट है, जो ग्रीन है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रूट यहाँ पे फॉलिकल या एकीन होता है। ठीक, मोस्टली ये भी पूछा गया है, स्टेमस और कार्पन न्यूमरस और ये भी पूछा गया है। क्लिमेटिस ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा मेंबर है इसका जो एक क्लाइंबर प्लांट है। इम्पोर्टेंट जेनरा की अगर बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन नेम किसका क्या है, तो रेनकुलस एक जीनस है उसको बटर कप बोलते हैं, क्लिमेटिस तो हो गया, कैल्था एक जीनस है उसको मार्स मैरीगोल्ड बोलते हैं, फिर और इम्पोर्टेंट ये सारे जेनरा हैं इस फैमिली में, डेल्फिनियम एक प्लांट होता है, कोनिटम एक प्लांट होता है, ये जीनस है, इसके अंदर कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं। एगोनिटम को एकोनाइट बोलते हैं, फिर एनिमोन है, थैलिक्ट्रम है ये प्लांट। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, पियोनिया, पियोनिया एक ऐसा जीनस है जिसमें बहुत और सारे स्पीसीज होंगे। पियोनिया जो है रेनन्कुलेसी, पहले तो ये रेनन्कुलेसी में रखा गया था लेकिन बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये रेनन्कुलेसी में से डिफरेंट होता है। ठीक है, पियोनिया डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लांट इन दिस फैमिली इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होता है जो करेक्टर इसको अलग बनाता है, इसमें न्यूमेरस सेंट्रीफ्यूगल स्टेमेंस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ डिस्क अराउंड द कार्पल, कार्पल के अराउंड में डिस्क प्रेजेंट होते हैं और सीड्स इसके रिलेटेड होते हैं। ये सारे टर्म्स हैं, आप सर्च कर लीजिएगा क्या होता है रिलेटेड सी। ठीक, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, जहाँ पे एक प्लांट होता है नाइजेला सटाइवा उसके सीड्स को हम काला जीरा बोलते हैं और जो सारे प्लांट हैं उसको हम ऑर्नामेंटल के जैसे यूज़ करते हैं। ठीक, ऑर्नामेंटल मीन्स जो जैसे फ्लावर्स जो आप अपने गार्डन्स में लगाते हैं। सेकेंड फैमिली बात करते हैं निम्फियसी, बहुत सारे कैरेक्टर इसके रेनन्कुलेसी से ही मिलते हैं तो इसलिए मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोर ऑर लेस आर सिमिलर, प्लेसमेंट भी इसका सेम है। यहाँ पे एक खास बात है, इसमें सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन होता है। ठीक, इसमें प्लेसेंटेशन भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है, तो वो निम्फिया में ही होता है जो कि निम्फियसी फैमिली का ही है। इसके इंपॉर्टेंट जेनरा कौन कौन से हैं, निम्फिया नाउचिलाई एक स्पीसीज है जो इसका सिनोनिम है, बराबर का जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब सिनोनिम है, मतलब दोनों सेम ही नाम है। तो अलग अलग बुक में अगर कहीं पे निम्फिया लोटस वही है, निम्फिया एन डॉट, ठीक है दोनों सेम ही है, तो अगर कहीं पे एन लोटस लिखा है तो उसका नाम निम्फिया नाउचिलाई, दोनों सेम ही है। इसको इंडियन वाटर लिली बोलते हैं, तो कहीं पे अगर कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन वाटर लिली किसे बोलते हैं तो निम्फिया नाउचिलाई या निम्फिया लोटस को। फिर एक और प्लांट है यहाँ पे एन एल्बा, निम्फिया एल्बा जिसको यूरोपियन वाइट वाटर लिली बोलते हैं। फिर एक प्लांट है यहाँ पे इस फैमिली में विक्टोरिया अमेजोनिका, या इसको विक्टोरिया रेजिया भी कहते हैं, सिनोनिम नाम है, सिनोनिम का नाम का मतलब है समान अर्थ, मतलब वही दोनों एक प्लांट है, इसको रॉयल वाटर लिली कहते हैं। तो ये सारे करेक्टर थे, प्लेसमेंट वही है, सेलियंट फीचर भी मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जेनरा मैंने बता दिया। ठीक है, विक्टोरिया अमेजोनिका जो प्लांट है इसमें बहुत बड़ा लीफ पाया जाता है, जाइंट लीफ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड पे चलते हैं निलंबुलेसी, ये भी काफ़ी सिमिलर है निम्फियसी से। ठीक है, तो वही है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोर और लेस सिमिलर टू द निम्फियसी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, प्लेसमेंट भी इसका सेम है जैसा सारे का है। कार्पेल्स बरीड हियर इन अ राउंड पिट ऑन द फ्लैट टॉप ऑफ अ सॉलिड एंड स्पॉन्जी ऑफ कॉनिकल रिसेप्टिकल। यहाँ पे इस फैमिली का कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पे कार्पेल्स जो होते हैं ये एक फ्लैट वो बनता है इसके रिसेप्टिकल का, स्पंजी ऑफ कॉनिकल रिसेप्टिकल,
होता है, जो फूला हुआ होता है उसमें सारे कार्पल्स इसके बरीड रहते हैं, उसी में रहते हैं। जब इसका प्लांट पे आप देखेंगे इसके फ्रूट को तो आप देख पाएंगे दिस फैमिली। ये खास बात है कि ये जो फैमिली है पहले ये निम्फिएसी के अंदर थी, और वहाँ पे कैसे थी, सब फैमिली के रूप में। दिस फैमिली फॉर्मली ट्रीटेड एज सब फैमिली ऑफ द फैमिली निम्फिएसी। पहले निम्फिएसी फैमिली में तीन जो था सब फैमिली था, कैबोम्बोइडी, नीलम्बोइडी और निम्फियोडी, ठीक है। तो ये एक उसका सब फैमिली बनाता था, पर इसको बाद में अलग कर दिया गया एक नई फैमिली के जैसे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जेनरा इसके क्या है, नीलम्बो न्यूसिफेरा है, जिसको आप जानते हैं सैक्रेड लोटस बोलते हैं, और यही जो है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है, तो इसलिए इस फैमिली का इम्पोर्टेंस ये है। चौथे फैमिली पे चलते हैं, मैग्नोलियेसी। ये भी एक प्रिमिटिव फैमिली ही है आप कह सकते हैं, मीन्स ज़्यादा कैरेक्टर इसके प्रिमिटिव ही हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोर ऑर लेस सिमिलर टू द प्रीवियस वंस बट हियर, पर यहाँ पे ये क्या होता है, और जो इससे पिछले वाले थे वो लगभग हर भी थे। यहाँ पे जो है जो प्लांट हैं आपके वो ट्री या श्रब्स होते हैं। यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन होता है ओव्यूल्स का, वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, इसका कैरेक्टर है। सीड्स ऑफन सबस्टेंडेड बाय थ्रेड लाइक फ्यूनिकुलस होता है, जो जो इसके सीड देखेंगे आप वो थ्रेड लाइक फ्यूनिकुलस इसमें पाया जाता है, वो उसी से लटका रहता है उसके फ्रूट में, ठीक। फ्रूट एंड एग्रीगेशन ऑफ फॉलिकल्स, इसका फ्रूट क्या होता है, फॉलिकल्स का एग्रीगेशन होता है, या इंडेशन समारा किस में पाया जाता है, लेरियोडेंड्रॉन में इंडेशन समारा होता है, या तो यूनाइटेड इनटू फ्लेसी सिंकार्प किस में होता है, एरोमाडेंड्रॉन में। प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली यूजली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स एंड ऑल्सो यूज एज टिम्बर। तो दोनों प्लांट जो होते हैं मतलब इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो यूजुअली ऑर्नामेंटल के जैसे यूज़ किया जाता है, और टिम्बर में भी इसका है। इंपॉर्टेंट जेनरा कोई पूछेगा तो दो इसके इंपॉर्टेंट जेनरा है, मैग्नोलिया और माइकेलिया। लास्ट फैमिली है एनोनेसी, ये भी जो है प्रिमिटिव फैमिलीज में गिना जाता है, और इसका जो प्लेसमेंट है सेम है। सेलियंट फीचर की अगर बात करें तो इसमें ट्री या श्रब ही होते हैं, हर्ब्स नहीं होते। इसका एक कैरेक्टर है लीफ इसके अल्टरनेट डिस्टिकस होते हैं। डिस्टिकस का तब क्या मतलब होता है कि जब कोई लीफ होता है वो दो ही साइड से निकला रहे, मतलब आप अगर ऐसे आंखों के सामने उसको देखेंगे तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड लीफ रहेगा, आगे पीछे लीफ इसके नहीं होते, मतलब केवल दो साइड से लीफ निकले रहेंगे, और वो अभी अपोजिट नहीं होते, अल्टरनेट होते हैं। यहाँ पे स्टिपुल्स नहीं होते। फ्लावर जो होता है फ्रैग्रेंट होता है, महकते हैं। फ्लावर्स ट्राइमेरस विथ न्यूमरल स्पायरल अरेंज स्टेमेंस। यहाँ पे फ्लावर जो होता है ट्राइमेरस होगा, मींस तीन तीन के ग्रुप में आप देखेंगे सेपल और पेटल रहेंगे, और स्पायरली अरेंज स्टेमेंस होता है, कार्पल्स बहुत सारे होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो एग्रीगेट होता है किसका, बेरीज का, ठीक। मतलब फ्रूट बेरी है पर एग्रीगेट होता है, इकट्ठे में होता है। सीड्स इसका जो होता है वो रुमिनेट इंडोस्पर्म के साथ होता है। ये भी इस फैमिली का मेन कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट जेनरा की अगर बात करें तो अनोना है और पॉलिथिया है, और आपने खाया होगा एक फ्रूट अनोना स्कोमोसा, जिसको शरीफा बोलते हैं या इंग्लिश में स्वीट सोप भी बोलते हैं, ठीक। तो इसके पॉलिथिया लॉन्गीफोलिया एक प्लांट है जो आप देखेंगे हेज के रूप में लगाया जाता है, बहुत अच्छा ट्री होता है ये। तो इसके यही एनोना पॉलिथिया दो हैं। और सिक्स फैमिली जो पेपोरेसी है, ये एक्चुअली चला जाता है इसका प्लेसमेंट पैराइटेल्स में, तो मैं इसको कवर करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। ये अलग है, बाकी ये जो है आपका रेनोग्लेसी, निम्फिएसी, नीलम्बोलेसी, मैग्नोलिएसी और एनोनेसी, ये प्रिमिटिव फैमिलीज हैं। इसमें जो कैरेक्टर हैं वो सारे मोस्टली प्रिमिटिव कंडीशन से इसमें पाए जाते हैं। तो इसके सेलियंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट जनरा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, प्लेसमेंट आपको याद रखना है, प्लेसेंटेशन क्या है, फ्रूट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट जनरा क्या है। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं कवर करूँगा प्रेपरेसी, ब्रेसिकेसी और अदर फैमिलीज़ को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।